हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ WBM की। पिछले क्लासेस के अंदर हमने मैकाडम रोड को पढ़ लिया था, समझ लिया था, और साथ ही साथ उसके टाइप्स के ऊपर भी बात कर ली थी। बट RGBB में क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि WBM स्पेसिफिकली WBM रोड के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या किस तरीके से WBM रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और मैकाडम ने किस तरीके से इस चीज़ को समझाया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर साइज़ की, स्टैंडर्ड साइज़ की रोड की, तो इसकी स्टैंडर्ड साइज़ जो होती है लगभग लगभग 4.5 मीटर होती है। और साइज़ के अलावा अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो इसकी जो टोटल थिकनेस होती है, टोटल थिकनेस में क्या क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, सब बेस आ जाएगा, सरफेस कोर्स आ जाएगा, तो इन तीनों की जो टोटल थिकनेस होती है वो लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। लगभग कहना गलत होगा, इसमें 25 सेंटीमीटर ही उन्होंने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले दो एजम्पशन तो यही हो गए उनके कि सबसे पहले जो रोड का साइज होने वाला है वो 4.5 मीटर का होने वाला है और उसके बाद 25 सेंटीमीटर की इनकी थिकनेस होने वाली है। अब इनकी क्योंकि तीन लेयर्स हैं तो इन तीनों लेयर्स के लिए हमें इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हमने एक एक करके फॉलोइंग स्टेप्स में बांट लिया है। अच्छा, उसके पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के पहले हम आगे बढ़े, हम आपको एक चीज़ समझा देना चाह रहे हैं कि जब भी आप वाटर बाउंड मैकाडैम को पढ़ेंगे तो ये आप मान के चलिए कि ये मैकाडैम रोड ही है। ठीक है, मैकाडैम के अंदर वाटर बाउंड, ट्रैफिक बाउंड ये है, तो वाटर बाउंड और मैकाडैम लगभग लगभग एक ही है, बाकी आगे चल के फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट होते चले गए। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो सबसे पहली स्टेप होती है कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले क्या होता है, हम सब ग्रेड के प्रिपरेशन करते हैं। किसकी प्रिपरेशन करते हैं, सब ग्रेड की प्रिपरेशन करते हैं। अब सब ग्रेड होता क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई कह दे कि आप रोड बनाइए, सपोज मैं कहूं कि आपको एक रोड बनानी है, ठीक है, आप कुछ एक्सकवेट करेंगे, सॉइल को एक्सकवेट करेंगे, तो जो सबसे पहली प्रोजेक्टेड सरफेस दिखेगी, जो सबसे पहली प्रोजेक्टेड सरफेस दिखेगी उसको आप क्या कहते हो, सब ग्रेड कहते हो। बहुत बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब ग्रेड एक लेयर होती है, जबकि सब ग्रेड कोई एक ऐसी लेयर नहीं होती है। सब ग्रेड जो सबसे पहली लेयर प्रोजेक्टेड होती है हम लोगों को मटेरियल डंप करने से पहले, उसी लेयर को आप क्या बोलते हो भाई, सब ग्रेड बोलते हो, जिसको कि हम यहाँ पे ऐसा नाम दे दें, सब ग्रेड। अच्छा, हमें ये पता है कि जो साइज होने वाला है वो कितनी होने वाली है, 4.5 मीटर की इसकी साइज होने वाली है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है इसमें, जो सबग्रेड है, अब इस सबग्रेड में जो क्रॉस स्लोप है वो, उसका जो क्रॉस स्लोप है वो कितना होने वाला है, 1:36। 1:36 जो होगा उसका क्रॉस स्लोप होगा सबग्रेड का। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पहली लेयर में जाएंगे, पहली लेयर को क्या नाम देते हैं हम, सब बेस। अब इस सब बेस का प्रिपरेशन करेंगे। अब ये सब बेस क्या होता है, सब बेस के अंदर हम स्टोन्स को ही डंप करते हैं, स्टोन्स को ही स्प्रेड कर देते हैं। अब ऐसा वैसा स्टोन नहीं, वो स्टोन्स जो कि 5 सेंटीमीटर सीव से पास हुए होते हैं, अलग अलग टाइप की सीव्स होती हैं, ये 5 सेंटीमीटर सीव को शो कर रहा है, तो इससे जो स्टोन पास होंगे ये क्या है, 5 सेंटीमीटर साइज सीव को शो कर रहा है, इससे जो भी स्टोन पास होंगे उन स्टोन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इस तरीके से रख देंगे। अब इसकी, इस स्टोन्स की जो थिकनेस होती है उन्होंने कितनी रखी इस स्टोन्स की, अच्छा ओवरऑल थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 25, तो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस होगी सब बेस की वो होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब ग्रेड, सब ग्रेड के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा भाई, सब बेस आ जाएगा। सब बेस में क्या, वही स्टोन्स जो कि आपके 5 सेंटीमीटर साइज के सीप से पास हुए हैं, जो कि यहाँ से नीचे आए हैं, जो यहाँ पे रिटेन हुए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ से पास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वाली लेयर की हम बात करते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं, सब बेस।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बेस कोर्स की हम प्रिपरेशन करते हैं, किसकी करेंगे, बेस कोर्स की बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने स्टोन्स को डाला है, यहाँ पे हमने स्टोन्स डाला है, बट जब हम बेस कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ब्रोकन स्टोन्स को हम यहाँ पे डालेंगे। किसको, ब्रोकन स्टोन्स को। अच्छा, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जब हमने सब बेस की बात की तो सब बेस के टाइम पे हमने 5 सेंटीमीटर साइज की सीव से हमने पास कराया, तो यहां पे क्यों नहीं, तो यहां पे भी होगा बेटा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे भी हम सीव यूज करेंगे, बट यहां पे 5 सेंटीमीटर की सीव यूज कर रहे थे, यहां पे हम 3.75 सेंटीमीटर साइज वाली सीव को यूज करेंगे। यहां से जो ब्रोकन स्टोन पास होंगे जो ब्रोकन स्टोन है, उन्हीं स्टोन को हम यहां पे डंप करेंगे। ठीक है, अच्छा, टोटल 25 होनी चाहिए थिकनेस, बट यहां पे हमारी अभी कितनी लैग कर रहे हैं, हम 15 सेंटीमीटर और लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको भी उन्होंने कितना रखा, 10 सेंटीमीटर थिकनेस रखी। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बेस कोर्स। इसका नाम हम क्या दे देंगे, बेस कोर्स। अब उसके बाद जो हमारी जो फाइनल सरफेस होगी, फाइनल सरफेस कोर्स होगी, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पे स्टोन रखा, फिर उसके बाद ब्रोकन स्टोन रखा, अब यहां पे भी हम क्या रखेंगे, ब्रोकन स्टोन ही रखेंगे। यहां पे भी हम ब्रोकन स्टोन रखेंगे, बट यहां पे क्या डिफरेंस आएगा, यहां पे जो सबसे नीचे सब बेस था 5 सेंटीमीटर साइज की सीव यूज कर रहे थे, बेस कोर्स में 3.75 की यूज कर रहे थे, बट यहां पे अब हम क्या करेंगे, 1.9 सेंटीमीटर सीव यूज करेंगे। इससे जो भी मटेरियल पास होएगा, जो भी ब्रोकन स्टोन पास होगा, उसको हम डायरेक्टली कहां पे यूज करेंगे, सरफेस कोर्स पे। और ये सरफेस कोर्स आपका इस तरीके से, ठीक है, इसकी जो थिकनेस होने वाली है वो होएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी जो टोटल थिकनेस है वो कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। इसका जो साइज है वो 4.5 मीटर आ गया, और ये जो क्रॉस स्लोप हमने लिया था 1:36 का, ये 1:36 का स्लोप भी इसमें आ गया। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं WBM रोड का। मैं फिर से एक रिव्यू दे दूं, अगर आप लोग को, तो सबसे पहले यहाँ पे 4.5 मीटर की साइज थी, क्रॉस स्लोप 1:36 का था, जब हम सबग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे थे, हम पहले से ही क्रॉस स्लोप 1:36 के स्लोप से चल रहे थे। उसके बाद हमने सब बेस रखा, फिर बेस कोर्स रखा, फिर उसके बाद सरफेस कोर्स रखा। सब बेस की 10 सेंटीमीटर थिकनेस, बेस कोर्स की 10 सेंटीमीटर थिकनेस, और सरफेस कोर्स की कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। टोटल इनका सम होता है 25 सेंटीमीटर। बेस कोर्स में जो भी यानी तो आपके स्टोन्स आएंगे वो 5 सेंटीमीटर सीव से पास हुए होंगे, बेस कोर्स में जो ब्रोकन स्टोन होंगे वो 3.75 सेंटीमीटर से पास हुए होंगे, और जो आपका सरफेस कोर्स है उसमें जो पूरे के पूरे ब्रोकन स्टोन है वो 1.9 सेंटीमीटर के सीव से पास हुए रखे होंगे। तो ये था पूरा का पूरा WBM का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।